दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों आप लोगों की बहुत डिमांड आई थी कि मैं MI A1 को कंपेयर करूं Redmi 5 Plus से स्पीड टेस्ट कंपैरिजन में। तो दोस्तों ये है स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन MI A1 एंड Redmi 5 Plus। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों फ़ोन यहाँ पे हैं और दोनों फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और बैकग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं चल रही है। तो यहाँ पे मैं सारी सेम एप्लीकेशंस यूज़ करूंगा। तो यहाँ पे हम टाइमर जो है वो ऑन कर देते हैं स्टॉप वॉच में जाके, उसके बाद सबसे पहले ओपन कर लेते हैं सुपर मारियो रन। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, दोनों ही फोन्स में सेम प्रोसेसर है जो कि है स्नैपड्रैगन 625, लेकिन जो MI A1 है उसमें जो रैम है वो है 4GB और जो Redmi 5 Plus है उसमें रैम है 3GB। इसका एक 4GB रैम वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है, बट मैं 3GB रैम वाला वेरिएंट यूज कर रहा हूं, तो आप लोगों को इससे अंदाजा लग जाएगा कि 4GB रैम वाला वेरिएंट शायद थोड़ा ज्यादा फास्ट हो सकता है। तो यहां पे हमने ओपन करी सुपर मारियो रन, तो दोनों पे ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लोड हुई थी। उसके बाद हम यहां पे टेंपल रन 2 को लोड कर रहे हैं और दोनों ही गेम्स मैंने सारी गेम्स जितने भी हैं सारी एप्लीकेशंस एकदम फ्रेश डाउनलोड करी हैं, पहले से कोई भी डेटा स्टोर्ड नहीं है। तो आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग कंटेंट लिखा रहा है टेंपल रन 2 पे, तो सारी फ्रेशली डाउनलोडेड गेम्स और एप्स हैं जो मैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन में ही यूज कर रहा हूं। तो टेंपल रन 2 भी ऑलमोस्ट सेम टाइम लेती हैं दोनों ही डिवाइसेस पे। उसके बाद शेयर इट को ओपन करके देख लेते हैं, तो शेयर इट भी यहां पे ऑलमोस्ट सेम टाइम ले लेती हैं। उसके बाद हम ओपन करेंगे यूट्यूब को और जो सबसे पहली यूट्यूब पे वीडियो होगी उसको रन करके देखेंगे जब तक वो प्ले नहीं हो जाती। उसके बाद हम यहां पे बढ़ते हैं जीमेल एप्लीकेशन की तरफ, जीमेल के बाद यहां पे चलते हैं सबवे सर्फर्स की तरफ। तो हम गेम्स हमने ज्यादा रखी हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन में, क्योंकि अगर आप डे टू डे लाइफ में अगर फोन का यूज करते हैं तो आप मल्टीटास्किंग बहुत करेंगे और मल्टीटास्किंग में अगर आप गेम्स खेल रहे हैं तो हो सकता है आपका फोन हैंग हो या लैग हो, तो वो रियल एकदम जो परफॉर्मेंस आपको रियल टाइम में देखने को मिलेगी उससे अंदाजा लग पाएगा कि आपका फोन किस तरीके से काम करेगा इस स्पीड टेस्ट के जरिए। तो यहां पे प्ले स्टोर से हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं। सेम एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर रहे हैं नोवा लेगेसी और 2930 MB की ये एप्लीकेशन है। दोनों ही फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, तो इससे आपको अंदाजा लग पाएगा कि कौन सी गेम जल्दी डाउनलोड होती है किस डिवाइस में, तो स्पीड आपको किस में थोड़ी बेहतर देखने को मिल जाती है। MI A1 में यहां पे थोड़ी स्पीड ज्यादा बेहतर देखने को लग रही है। तो यहां पे MI A1 में ऑलमोस्ट इंस्टॉल्ड हो गई है गेम, जबकि Redmi 5 Plus में अभी नहीं हुई है। तो कोई बात नहीं, यहां पे हम चल लेते हैं बाकी और एप्लीकेशंस की तरफ। तो आप देख सकते हैं MI A1 में हमने कैमरा ओपन कर लिया है और यहां पे क्लिक कर लें कुछ फोटोज। Redmi 5 Plus में भी हमने कैमरा ओपन कर लिया है और कुछ क्लिक कर ली है फोटोज। इसके बाद हम जाएंगे गूगल क्रोम ब्राउजर में, जैसे कि मैं यहां पे मी का अपना ब्राउजर यूज नहीं कर रहा हूं ताकि सेम एप्लीकेशंस पे आपको सेम स्पीड मिल पाए। जो MI A1 है उसने कंप्लीट करा है 2 मिनट्स 41 सेकेंड में और जो Redmi 5 Plus है उसने कंप्लीट करा है पूरा टास्क 2 मिनट 38 सेकंड में। थोड़ा एडिटिंग में गड़बड़ हो गई है, लेकिन आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि Redmi 5 Plus 2 सेकंड ज्यादा फास्ट है या फिर 1.5 सेकंड। अब ये जो राउंड है ये है मेमोरी मैनेजमेंट राउंड, तो यहां पे मैंने बैकग्राउंड से एक भी ऐप को किल नहीं कराया ताकि आप लोगों को अंदाजा लग पाए कि ऐप वहीं से स्टार्ट होती है जहां हमने छोड़ी थी या फिर नहीं। तो इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और MI A1 ने कंप्लीट कर दिया 3 मिनट 42 सेकंड में और Redmi 5 ने 3 मिनट ऑलमोस्ट 4 मिनट में। तो यहां पे MI A1 जीत गया है मेमोरी मैनेजमेंट राउंड क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉइड पे आता है। तो दोस्तों MI A1 और Redmi 5 Plus ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस आपको देते हैं, अगर आप डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं मैं Redmi Note 4 से भी कंपेयर करूं तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें। मेरा नाम है प्रिंस, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें। मैं मिलता हूं आप सभी को एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में।